दिन का काम था, मुकुल शर्मा का खिलाफ का प्रोग्राम था, 10 तारीख हमने प्रोग्राम किया, उसमें 9.5 हज़ार का बिल हुआ था, उसने 8 हज़ार रुपया देखिए खुदा का वास्ते केवल इसको रख लीजिए, आप समझिए कि लॉस, घर से अपना घर से 1.5 हज़ार रुपया आप दे रहे चंदा, हमने रख लिया। फिर इसके बाद इसने हमें 20 तारीख का फ़ोन किया कि तो बड़ा जलसा करने जा रहे हैं आपका 5 अगस्त मैदान में, इसमें आपको आना है और इस प्रोग्राम को आपको ये करना है। तो हम बोला कितना बड़ा प्रोग्राम है पहले दिखाइएगा, हम 2 दिन एडवांस लेकर काम करेंगे तभी काम होगा। बोले देखिए हम लोग परमिशन करने जा रहे हैं, परमिशन हो जाता है तो आपको बुला लेते हैं। तो उसने हमको परमिशन करके 22 तारीख को बुलाए, जगह दिखला दी है, हमने जगह पूरा देख लिया, हमने जगह देखने के बाद बोला कि देखिए खर्चा 1,35,000 रुपये खर्चा गिरेगा, तो हम डिस्काउंट करके आपका हम काम कर देंगे। तो 95-90 का हम बोला था, हम बोले हम 70 देंगे आपको, हम हाँ आप 95 का बिल बनाइएगा, हम बोला 70 दीजिए 95 का बिल बनाएंगे, माने बोले हमको किसी से लेना है लेकर काम करवाना है। तो भैया ठीक है, तो हमने सारा काम इनके बात करने में हमें 10 हज़ार रुपये एडवांस दिया, उस टाइम बोला कि आप इसको ले जाइए आपका अकाउंट में हम 30 हज़ार रुपये आर दे दे रहे हैं, आप 40 हज़ार का हमको व्हाट्सअप कर दीजिए, आप बुकिंग जो जो सामान का हुआ है वो बुकिंग दे दीजिए। तो मैंने 40 हज़ार रुपये का देखिए एडवांस का मैंने सारा पेपर आपको दिखा रहे हैं कि मैंने 40 हज़ार रुपये का एडवांस लिख के मैंने पेपर दे दिया हूँ, जो जो माल था सारा माल का सिस्टम दे दिया हूँ, और इसने बोला कि आप 30 हज़ार रुपये आपका अकाउंट में हम लगा दे रहे हैं। भाई उसने हमें बात किया 22 तारीख को 10 हज़ार रुपये दिया, अब 22 तारीख का दिन में अकाउंट में रुपया लगाना था, लगाया नहीं। तो 23 तारीख हो गया, आप तो देखिए हमने एडवांस पकड़ लिया 10 हज़ार रुपया, और 23 एक ही दिन बचेगा काम के लिए और दूसरा दिन बचेगा नहीं। तो 23 तारीख को अपना हमने 22 आदमी लेकर काम स्टार्ट कर दिया, हमने ढकुरिया से सुबह 5 बजे लेबर लेकर आए, पंडाल मिस्त्री लेकर अपना काम स्टार्ट कर दिया सारा काम। हमने इनको फ़ोन किया, फ़ोन रिसीव नहीं किए 10 बजे दिन तक, फिर 12 बजे फ़ोन रिसीव किए, बोले भैया मोटे सो के हम कल नहीं कर सके, हम आपका भूल गए, हम अभी हाथों हाथ पैसा आपको दे रहे हैं। हम बोले आप तो बोले थे भैया काम हाथ लगाइए पैसा दे रहे हैं, और अभी ऐसा कर रहे हैं आप। बोले बस नाश्ता पानी करके नहा धोवा के आपके पास हम आ रहे हैं। अरे कितना देरी में आ रहे हैं? बोले देखिए हम 1 घंटा के अंदर डूब जाएंगे आपके 1 बजे। हम ठीक है 1 बजे आइए आप। वो भैया 1 बजे से 3:30-4 बज गया, फोन रिसीव नहीं कर रहे, नहीं आए। हम लोग ने सारा काम 6 बजे पूरा निपटा दिया, हर एक काम। सिर्फ वहाँ पर करना क्या था, मैंने 2 पेयर JBL साउंड लगाना था हमको वहाँ पर ही, और 250 चेयर देना था, और आपका मोटा मोटी कारपेट बिछाना था, सब यही काम रह गया था। हमने सारा काम, 2 गाड़ी माल हार जाता हमारा काम ख़त्म था, हमने सारा काम कंप्लीट कर दिया। पुलिस आए 6:30 आके बोला ये परमिशन आपके पास में है, तो हमने मोबाइल में था परमिशन दिखाया कि ये परमिशन है, बोले नहीं ये परमिशन गलत है, आप फौरन माल खोलो, माल नहीं खोलो हमारा माल सीज हो जाएगा। तो भैया हमारा तो वहाँ पर ही 50 लाख रुपये का माल था, अब हर एक आदमी हम छोटा मोटा एक ऑर्डर लिया है 70 हज़ार रुपये का, 50 लाख का माल सीज करवाएंगे, इससे बेहतर है कि हम सारा माल तो अपना खोलना स्टार्ट कर दिया। हमने सारा माल स्टार्ट कर दिया खोलने के लिए। उसके बाद ये वहाँ पर आए, अब माल क्यों खोले, किससे पूछे खोले, हमने आपका परमिशन है पेपर है आप बात कीजिए उसी से, उसी है DC भी यहाँ पर ही है, DC का सब आदमी लोग है, आप जगह बात कीजिए, अगर वो बोल देंगे करने के लिए तो फिर हम इसको कर देंगे, हमने खोल दिया है फिर इसको कर देंगे हम। तो ऑफिसर बोला ना इन्हें हो ना जाओ बाहर करते हो, एखने हमारे कोनो परमिशन नहीं, हाँ कॉर्पोरेशन कोनो ऑर्डर नहीं। तो ऑफिसर किसी आगे वहाँ पर ही बोला कि तुम अभी माल नहीं उठाएगा, सारा माल उठा के ले जाएगा हम लोग। तो हम संग तंग गाड़ी बुला के 4 गाड़ी बुला के अपना माल तो जल्दी जल्दी वहाँ से जो मेन माल था उसको उठवाया हम। हमने 4 गाड़ी बोल के माल उठवाया, फिर दूसरा गाड़ी मेरा आया, फिर हमने दूसरा जगह माल फेंकवाया, फिर रात में 1 गाड़ी माल उठाया, अब सारा माल उठा लिया, सभी बांस रह गया था बांस नहीं उठाया। अब वहाँ पर मंच भी करने था रेडी, वहाँ पर हमने मंच भी रेडी कर दिया बाहर में, फिर सारा माइक का लाइन घुरा के हमने वहाँ लिया है। 24 तारीख को प्रोग्राम यहाँ पर, अब उनको बोला भाई फैसल भाई पैसा दीजिए आपको, आप बोले आपका पैसा ए लीजिए 10 हज़ार रुपया, 10-10 20 हज़ार रुपया हम आपको कल पैसा देंगे। बोले नहीं हमको पैसा दीजिए तभी काम करेंगे, वरना काम नहीं करेंगे। बोले कल पैसा देंगे तभी काम कीजिएगा आप।
तो आप समझ लीजिए जुमा का दिन अगर हम काम कंप्लीट नहीं करेंगे तो जुमा बाद प्रोग्राम करेंगे, फिर कैसे करेंगे, फिर तो हम फंस जाएंगे। तो हमने सारा काम कंप्लीट कर दिया। वो आए बोले भैया पैसा दीजिए हमको, आप बोले हम दे रहे पैसा, प्रोग्राम होने दीजिए, एक डेढ़ घंटा प्रोग्राम में खत्म होगा, आपको पेमेंट अभी संग संग दे देंगे हम। हमने देखिए आप पाँच टाइम नमाज पढ़ते झूठ बोल रहे हैं कि अभी दे रहे हैं, सुबह दे रहे हैं, शाम दे रहे हैं, क्यों ऐसा करते हैं भैया, हाँ क्यों आप मैंने इतना दौड़ा रहे आदमी को, हाँ आप क्यों बेवकूफ़ बना रहे हैं, देना तो पैसा दीजिए, नहीं देना जी बोलिए। बोले हम काम प्रोग्राम खत्म करके पैसा आपको दे रहे हैं। हम प्रोग्राम ख़त्म हो गया, पाँच सवा पाँच बजे प्रोग्राम खत्म हुआ भैया, हमने उनके पीछे लगे हुए हैं, लगते लगते खड़ा 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 तीन साढ़े तीन चार घंटा खड़ा रहे भैया उनके पीछे में, साढ़े तीन घंटा खड़ा रहे। उसके बाद साढ़े आठ बजे एक बजे लापता हो गया, साढ़े आठ बजे एक बजे लापता हो गया कि फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। फिर एक बार फ़ोन उठाए हैं कि हम पैसे का इंतजाम में गए हैं, हम पैसा आपका अकाउंट में भेज दे रहे हैं, पैसा इंतजाम में गए हैं, पैसा भेज रहे हैं। उसके बाद फिर कोई फ़ोन रिसीव नहीं किया, कोई फ़ोन रिसीव नहीं किया। फिर इसके बाद बोल रहा है कि हम आठ दस हज़ार रुपये देंगे, उतना पैसा नहीं देंगे। हमने भैया मेरा 45,000 रुपया खर्चा गिरा है, अब 10 क्यों दीजिएगा, मेरा 45 खर्चा गिरा है और 10 हमारा आपसे बेची लेंगे, 55 लेंगे हम, आठ गाड़ी माल आपका हम वहाँ पर ही गिराया टोटल वहाँ पर ही, हम आपसे इतना पैसा इससे कम पैसा नहीं लेंगे हम, हाँ आठ गाड़ी माल गिरा, आठ गाड़ी माल उठा, मेरा टोटल 45,000 रुपया खर्चा गिरा है, आप जो बोल रहे इतना पैसा कहाँ से होगा भैया फैसल भाई। बोले नहीं हम उसे बेची नहीं करना, जो करना आप कर लीजिए। तो आप बोलिए हम 45,000 रुपये लेबर बांटेंगे और वो अपना मर्जी से हमको 30,000 रुपये देंगे, तो ये तो गुंडागर्दी कर रहे हैं ना। मालूम हुआ कि सारा जगह चंदा उठाएं, इससे पहले ये आदमी इलेक्शन में लड़ा हैं आपका भाईजान का पार्टी से, ये वो इलेक्शन भी हार गए। मैं अपने भाई लोग को बोलने चाह रहे हैं, ये NRC में 200,000 रुपये 2500,000 रुपये चंदा उठाए, ये आदमी 420 चीटिंग बाज है, इससे बच के रहिए। 5 अगस्त के अवाम को बोलने चाह रहे हैं, ये आदमी मैंने हम आपको क्या कहें कि जिस तरीका का हमने काम करके और लेबर को जो पैसा दिया हूँ और गाड़ी वाला पैसा दिया हूँ, मैं दिल से मैंने आंसू भाई रोल दिया हूँ, आंसू भाई रोल दिया हूँ कि आज हमने दिन का काम करके आज हमें यह सबक मिल रहा है कि दिन का काम के लिए हमने खड़ा हुए कि नुकुल शर्मा ने उल्टा उल्टा बयान दिया है, उसके लिए सारा जमात मुसलमान एक होके इसके लिए ही करेंगे। मगर ये दो आदमी, ये फैसल और ये जो है दूसरा आदमी नदीम आपका जो है, ये 420 चीटिंग बाज, फैसल और इम्तियाज ये दोनों 420 चीटिंग बाज है। इसने मुझे धमकी भी दिया कि तुमको जो करना कर लो, बाकी जो होगा हम कर लेंगे, फिर तुमको हम बता देंगे क्या कर सकते हैं, हमको तुम ये मत समझो हम क्या हैं, हम लोग ऐसा है कि बैठे बैठे तुमको उठवा भी देंगे। अब ये हमको चैलेंज कर रहे हैं कि बैठे बैठे हमको उठवा देंगे, क्योंकि बंगाल में इसके बहुत बड़ा बड़ा गुंडा है। तो भाई मैं आज मीडिया को बोलने चाह रहा हूँ, अब बताने चाह रहा हूँ, इस चोर चीटिंग बाज से बच के रहिए। मैंने आपका दोनों जगह में डायरी किया हूँ, लालबाग में किया हूँ, बनिया पोखर में जमा डायरी जमा किया हूँ। हमारा देखिए जो काम किया हूँ उसका देखिए एक कोटेशन पेपर, जो काम किया हूँ कोटेशन पेपर है हमारा, हाँ 40,000 रुपये एडवांस दिखा दिया था ये, हाँ हमको सिर्फ 10-10-20,000 रुपये दिया है और ये बोलते हैं हम तो आपको 40 दिया है। तो बोले खुदा को हाजी नाजी करके आप कलम पाक उठा कर बोल दीजिएगा। तो बोले हम कलम पाक क्यों उठावेंगे, हमने बनिया पोखर में थाने में डायरी किया है, इसका देखिए डिटेल पेपर है पूरा। मैंने लाल बैर में डरी किया हूँ, लाल बैर में डरी किया हूँ, इस पर डिटेल पेपर है। और ये आदमी ने हमें जो काम करने बोला था कि सारा परमिशन हमें मोबाइल में डाला था ये, तो देखिए इनके साथ एक बंदा आ रहा है जो लाठी लेकर चलते हैं, उनका इनका लेटर पैड है परमिशन में, इनका लेटर पैड में हुआ है। ये सब आदमी से बच कर रह के हम अपने मुसलमान भाई को बोलना चाह रहे हैं, इस आदमी कभी भी चंदा कलेक्शन के लिए आए तो इन लोग को झाड़ू जूता से मारिए आप, ये सब चीटिंग बाज है। और आपको बोलना चाह रहा हूँ हमारे मुसलमान भाई को कि कोई अच्छे इंसान को में काम करवाइए, ये लोग दुकान खोल के रखा है ये सब करने के लिए। और मैं भाई को और क्या कहूँ, अपने माने पासगर भाई को, अस्सलाम वालेकुम, आप जो छोटा चीटिंग बाज से बच कर रहिए।